वाले महंगा सस्ता नहीं देखते मलका। इस इंस्पेक्टर वर्गे तेरे जे जालमा दे दरबारी ते चमचे होंदे ने। अस्सलाम वालेकुम, हज़े रहो वसते रहो। मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान रे दी बड़ी बेहतरीन फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाजिर हो रहे हां और इस फिल्म दा नाम है वैशी डोगर। 6 मार्च 1991 बरोज जुमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म वैशी डोगर। इस फिल्म के 2 गाने बड़े मशहूर हुए सन, असी कल्यां गुजारां दी रात ते अल्लाह करे दिन न चढ़े। ए 2 गाने बड़े मशहूर हुए सन। इस फिल्म दे दा कारण सुल्तान रही, बस तिन तो बाद मेरे हथों नहीं बच, अंजुमन, बहार, नहीं वीरा बंदे दे अंदर चानन होवे, सावन, तू वकील बन के नहीं मलक हाकम, शैदा मिनी, तुसी मैनू इत्थे वेख के हैरान ते, हमायों कुरैशी, मेरा पिउली तेनू नहीं रोक, सीमा बेगम, अपने दिल की जमीन चो चढ़ा, आबद अली, आज तो 7 साल पहले मैं शहर की शादी कर, अल्ताफ खान, आज जब सी तेनु मार के अपने, जहर शाह, और दी पूरी बिरादरी, शफकत चीमा, मास्टर मजाक उड़ान वाले दी सदा, नसरुल्ला भट्ट, तंजीम हसन, गलत समझो अब्बा जी, मैं वकालत मौजूद पेशे दी आंखा उते, सऊद अख्तर, तो किसे सड़क ते आवारा कुत्ते दी मौत मरेगा, अनवर खान, आ मौत दे सारे सदागर, अदाकार दीबा, इस आलम ना पर मेरी तड़प, बहार बेगम, नहीं वीरा बंदे दे अंदर चानन हो, हदयात हसनैन, फिल्म साज फियाज खान, म्यूजिक जुल्फकार अली और इन्हू लिखा है मोहम्मद परवेज कलीम ने। एक जागीरदार की कहानी है जिसका नाम अफजल होंदा है और अफजल के प्यो का किरदार अदाकार उमर दराज खलील ने अदा किया है। तो अफजल जिहड़ा होंदा उसका किरदार अदाकार आबद अली ने अदा किया है और बड़े बहुत बड़े जागीरदार का पुत्र होंदा है और पिंड विचों शहर के अंदर एक तवायफ की धी के नाल शादी करता है जिसका नाम जमीला होंदा है और जमीला का किरदार अदाकार दीबा ने अदा किया है और दीबा के नाल शादी करते और शादी उसकी एक धी ते एक पुत्र होंदे ने। अपने पुत्र नु बुलबुली दा सबक ना दे मां, मैं अपने जख्मा दे परन तो पहला पहला दुश्मन कबर दे ने। और वो घर जांदा है और घर जाके जदू दा पियो दे कोल पुछता है कि तू किथे गायब रहंदा है, तो अपने प्यो नूं दसदा है कि मैं शहर के अंदर शादी की है और एक ऐसी औरत दे नाल शादी की है जिहड़ी पैदा ते तवायफ दे घर हुई है लेकिन वह बड़ी ही शरीफ और बड़ी ही जरा इज्जतदार औरत है। प्यो नूं बड़ा गुस्सा आंदा है और गुस्से के दौरान वह अपने पुत्र नूं घरों कढ देंदा है लेकिन जब वह घर छोड़ के जा रहा होंदा है तो राबिया आ जाती है। राबिया का किरदार अदाकार बहार बेगम ने अदा किया है और वह आके अफजल जो भरा होंगे उन्होंने रोकती और कहती है प्यो न समझाती है, प्यो न समझाती है कि जिस तरह भी है वह साड़ी इज्जत है और जी डोगर की इज्जत है वह घर होनी चाहिए। खैर वह प्यो जरा उन्हें वह राजी हो जाता है और उन्होंने कहता कि तू मेरी नूं लैके घर आ जा। अफजल जरा होंगे अफजल बहुत खुश होंगे और शहर जाता है और जो घर के अंदर दाखिल होंगे तो एक रुका वह मुंतजर होंगे और उस रुकत के लिखा होता है कि मैं कार छोड़ के जा रही हाँ क्योंकि तू गरीब इंसान है, तेरा जरा प्यो भी वह दौलत उत्ते सब बन के बैठे है, तेरी गरीबी तू तंग आके वापस कोठे जा रही है। अफजल नू बड़ा गुस्सा आंदा है और वह छुरी चुक के जाता है ताकि वह जमीला नू कतल कर सके लेकिन जदू उत्थे पहुँचता है तो सिचुएशन कुछ होर आती है। गुंडे जड़ा ना वो बीवी ने चुक के वापस कोठे ते लैके गए होंगे और जिहड़ी सीमा बेगम उहदी नायिका हुंदी है उहनू मजबूर करदी है कि तू तवायफ ते तेरा काम नचना है और एक कुंगरू तैनू बनने पैणगे नहीं ते मैं तेरा बुरा असर करांगी। कम तेरी कंठ पिछे खलो के डोगर नाल बैर दी जंग लड़ रहा है, एक गल याद रखी ओए,
इस काम से राजी नहीं होती। इतने अफजल दाखिल हो जाता है और जो सिचुएशन पता चलती है वह गुंडियां के नाल टकरा जाता है और टकरा के इस लड़ाई के दौरान जिहड़ा ना जख्मी हो जाता है और अपने पुत्र नू जख्मी हालत ही लैके फरार हो जाता है। पर उसकी धी जिहड़ी आउंदी है वह उत्थे ही रह जाती है, दीबा भी उत्थे रह जाती है। अफजल कार आंदा है और कार आ के जदों कार दाखिल होंदा है तो जिहड़ा गुंडा आंदा है टाइगर, टाइगर का जिहड़ा किरदार अदाकार हुमायूं कुरैशी ने अदा किया है, जिहड़ा कि नायका का साथी आंदा है, वह आंदा है और आके हवेली च हमला करदा है और इस हमले के दौरान वह अफजल नू ही कतल कर देंदा है और जिहड़ा उहदा प्यो आंदा है उहनू भी कतल कर देंदा है। और जदों वह हैदर की तरफ वधदा है तो पुलिस आ जाती है और उत्थों वह फरार हो जाता है, हैदर जवान हो जाता है। हैदर का जिहड़ा किरदार है अदाकार सुल्तान रही ने अदा किया है। राबिया उन्हें दसती नहीं कि उसकी फूफी उसकी माँ नहीं है। जिहड़ा हैदर होंदा है वह जवान हो जाता है और इस फिल्म के अंदर सावन ने हाकम मलक हाकम का किरदार अदा किया है जिदे सत पुत्र होंदे ने। सत पुत्र दे होंदे ने, पांच उहदे नाल होंदे ते उहदे जिहड़े दो पुत्र होंदे जहर शाह अल्ताफ खान और जेल के अंदर होंदे, उन्हां नाल मालू ते जालू होंदा है, वह दोनों जेल के अंदर बाकी पांच पुत्र उहदे नाल होंदे ने। उदा जिहड़ा एक पुत्र होंदा है वह आके बिलो, बिलो का किरदार अदाकार अंजुमन ने अदा किया है। वह बिलो का कंगन लैके जाता है और कहता है कि अगर शाम तक तू हवेली ना आई तो मैं तेरा बुरा शर करूँगा, तेनू चुक के लै जाऊँगा। बिलो का जिहड़ा प्यो होंदा है वह पिंड का मास्टर होंदा है। बिलो जिहड़ी सारी गल आके अपने प्यो नू दसदी है, प्यो चौधरी आकम दे कोल जांदा है और उन्हें फरियाद करता है और कहता कि तेरे पुत्र ने मेरी धी दे नाल बदतमीजी की है। जिहड़ा आकम आउंदा है वह कहिंदा तू इर्द गिर्द दे सत्तां पिंडां ही जा, तेरी धी दे नाल कोई शादी करने वास्ते तैयार नहीं होएगा। सारे पिंडां ही फिरदा है लेकिन उहदी धी दे रिश्ते वास्ते कोई भी राजी नहीं आउंदा। तो उसकी मुलाकात बहार बेगम दे नाल आउंदी है, वह सारी कहानी उसनूं दसदा है। जिहड़ी बहार आउंदी है राबिया उहदी मदद करन दा फैसला कर लैंदी और अपने पुत्र हैदर की मंगनी बिलो दे नाल कर लैंदी और कहती कि जा तो सारे पिंड चलान कर दे कि जिहड़ी बिलो है वह डोगरां दी नूँह है। इस तरह उन्हां दी आपसी मलकां ते डोगरां दी दुश्मनी का आगाज हुंदा है। हुमायूं कुरैशी ने जैसे मैं तुहानूं पहले दस्सिया टाइगर का रोल अदा किया, वह जिहड़ा टाइगर हुंदा है वह बाहर चला जांदा है और वापस जदों आउंदा है उहदा एक पुत्र हुंदा है अनवर खान। अनवर खान का नाम अच्छू हुंदा है और एक बदमाश हुंदा है और जदों टाइगर वापस आता है उन्हें मिलता है और बड़ा खुश होता है। और जदों हकम नूं पता चलता है कि जिहड़ी बिलो की मंगनी हैदर दे नाल हो गई है, वह जाता है और बिलो नूं चुकन की कोशिश करता है लेकिन हैदर आ जाता है। हैदर आके उन्हां नूं खूब फेंटा लगाता है और सारे नस जाते हैं। इस तरह मलकां ते डोगरां की दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। जदों मलक बेबस हो जाता है तो वह टाइगर नूं अपनी मदद वास्ते बुलाता है। टाइगर आता है और उसके नाल वादा करता है कि वह बिलो नूं चुकेगा और अपने पुत्र अच्छू नूं भेजदा हवेली। अब अच्छू आंदा है और हवेली च आ के हमला अवर आंदा है और इस दौरान उसकी लड़ाई जिहड़ी आउंदी है ना वह हैदर दे नाल आउंदी है। हैदर उन्हूं मार देंदा है और सारे बंदे नूं नसा देंदा है और उन्हूं मार मार के जख्मी करदा है। जदों वह अच्छू नूं कतल करन लगदा हैदर तो माँ सामने आ जाती है, उन्हूं रोकदी है, कहिंदी नहीं पुत्र जिहड़ा बंदा जख्मी हो जाए उस ते हमला नहीं करेगा। इस तरह वह जिहड़ा अच्छू नूं छोड़ देंदी है और ऐदर जिहड़ा आउंदा है ऐदर मफरूर हो जाता है। पुलिस कतल दे इल्जाम में उहदा पिछा करदी है, वह मफरूर हो जाता है। मलक हाकम आउंदा है, वह अपने पुत्रां नूं हुक्म देंदा है कि जाओ और जाके बिलो नूं चुक के ले आओ। अमलावर आउंदे ने लेकिन हर दफा वह बच जाती है, बिलो इस हमले के दौरान जख्मी हो जाती है और मालू और जालू जेल तो रिहा होकर आ जाते हैं और इस दौरान जिहड़ा ऐदर मफरूर होंदा है मालू ते जालू आउंदे ने, वह आउंदे ने और हवेली ते हमला करदे ने। जदों वह उहदी मां नूं चुकन लगदे ने ते उहनां दे सामने अच्छू आ जांदा है और कहिंदा है जालू ते मालू उस नूं कहिंदे तू ते साडा दोस्त है। वह कहिंदा नहीं मैं तुहाडा दोस्त नहीं हाँ, मैं इस हवेली का चौकीदार ते इह जिहड़ी सामने खड़ी इस मां का पुत्र हाँ। खैर उन्हां नूं मारदे और मार के उन्हां नूं साथ दिंदा है और पुत्र बन के उस हवेली की चौकीदारी करदा है। शहदमनी ने इस फिल्म के अंदर सुल्तान रई की भैन का किरदार अदा किया है, जिहड़ी तवाइफ होंदी है और कोठे ते रह जाती है और मुजरे करती है। तंजीम हसन ने इस फिल्म के अंदर एक वकील का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि मलक हाकम का पुत्र होंदा है लेकिन वह शरीफ और नेक इंसान होंदा है और पेशे नूं वह इबादत समझदा है
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਗਰ ਹਵੇਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਔਰ ਹੈਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਤਵਾਇਫ ਦੀਬਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਬਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਗਰ ਅਤੇ ਮਲਕ ਹਾਕਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਗੇ। ਖੈਰ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਹੈਦਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਬੜੀ ਹੀ ਦਿਲਾਂ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਣ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਛੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਦਰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡੋਗਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਅੱਛੂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੈਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਮਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਮਾ ਦਾ ਗਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਉਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੀਬਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਆ ਲਾਜਵਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਹਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।